पुलिस के गिरफ्त में आए यह वे साइबर अपराधी हैं जो कभी फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर तो कभी फोन पे का कस्टमर केयर बनकर लोगों के खाते से पैसों की निकासी किया करते थे। झारखंड के साइबर अपराधी ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि इन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली तक की पुलिस झारखंड आती है। इनका शिकार हुए लोग देश के कोने कोने में हैं। ताजा मामला झारखंड के लातेहार से आया है। लातेहार थाना पुलिस ने ठगी के दो अलग अलग मामलों में 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने 1 अपराधी को जामताड़ा और 2 को देवघर से गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लातेहार थाना क्षेत्र के धर्मपुर निवासी मनोज कुमार के साथ फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर बनकर अज्ञात साइबर अपराधियों के द्वारा 45,000 रुपए की ठगी की थी, जिस पर मनोज कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर लातेहार थाना में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही लातेहार ग्राम होसिल निवासी विनोद राम के साथ फोन पे पर कैश बैक का ऑफर देकर अज्ञात साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा 1,30,000 रुपए की साइबर ठगी की गई थी। इनके द्वारा लातेहार थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उपरोक्त कांडों के उद्भेदन करते हुए अज्ञात साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद भी किया है। 3 साइबर अपराधियों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार पुलिस के समक्ष किया है। इस छापामारी अभियान में पुवनी दीपक नारायण सिंह, साइबर सेल वीरेंद्र पासवान व सुरेश कुमार सिंह शामिल थे। अपने सपनों को करें साकार, द प्रयास इंडिया के साथ यूपीएससी की तैयारी को बनाएं आसान। अब आपके शहर रांची में हरिओम टावर में खुला विश्वसनीय आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द प्रयास इंडिया। 2021 में हुए 41 लोगों का चयन, आप भी बने प्रशासनिक देश सेवा का हिस्सा। कॉल करें 9334790857।